भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि भूतापीय ऊर्जा के दो उपयोग क्या हैं। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है पता है आपको? भूमि के अंदर जो गर्मी होती है ना, उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा के दो उपयोग, ठीक है। तो भूतापीय ऊर्जा है, इसके दो उपयोग कौन कौन से हो गए? तो पहला उपयोग यही लिख सकते हैं कि इसका उपयोग मतलब कि जो भूमि की ऊर्जा है ना गर्मी के रूप में, तो हम उसका उपयोग बिजली बनाने के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी एक तो हो गया कि इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं, देखिए उपयोग तो एक ही है इसका, ठीक है। तो दूसरा हम बनाना पड़ेगा हमें, तो दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि भूतापीय ऊर्जा में ऊर्जा के स्थानों को, जहाँ से गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं ना, गर्म पानी के फवारे निकलते हैं नीचे से, वही भूतापीय ऊर्जा के स्थानों को पर्यटन यानी कि पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए उपयोग तो एक ही है, लेकिन अब दूसरा उपयोग कैसे ले सकते हैं उसका? तो दूसरा उपयोग इस तरह से हम ले सकते हैं, क्योंकि जो भी आप कार्य करवाएंगे, चाहे मशीन भी चलवानी है, तो विद्युत ऊर्जा से चलेगी ना, एक प्रकार से ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं बताइए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्नलिखित कारणों से ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है ना, अब वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो यही हो गया, कौन सा? कि पहला कारण ये हो गया कि हमारे पास, ठीक है ना, हम जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, तो हम ये लिख देंगे कि जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल और कोल तो यूज करते हैं, जीवाश्म ईंधन सीमित भंडार में है। जीवाश्म ईंधन के भंडार लिख दीजिए, छोड़िए हटाइए, जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं, ठीक है। यानी एक ना एक दिन तो ख़त्म होने ही वाले हैं, और भविष्य में हमें फिर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे? अब लालटेन भी जलाएंगे तो मिट्टी का तेल तो चाहिए ना। तो जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं, ठीक है, अतः वैकल्पिक ऊर्जा की जरूरत है। वैकल्पिक ऊर्जा के भंडार की जरूरत है, तो इसलिए हम उस पे जो है कि ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब क्योंकि दो नंबर का तो दो पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। दूसरी बात कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, जैसे जैसे हम क्या ले सकते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा,
ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा इत्यादि प्रदूषण रहित हैं। प्रदूषण रहित का मतलब है कि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, प्रदूषण ये सॉरी हटाइए इसे, प्रदूषण रहित हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो कारण हो गए कि एक तो वो जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं और हमें वैकल्पिक ऊर्जा के भंडार की ज़रूरत है, और दूसरा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि प्रदूषण नहीं करते, तो इसीलिए ठीक है ना हम जो है कि इसका उपयोग करेंगे। अब नौवां क्वेश्चन लेते हैं। नौवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए कि नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन के दो लाभ और हानियाँ लिखो। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि नदियों पर अगर हम बांध बनाएंगे तो हमें फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, है ना। तो फ़ायदे और नुकसान दोनों लिख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लेकिन ना यहाँ पे एक मैंने चेक किया तो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे कि नाभिकीय ये पवन ऊर्जा ना गैर पारंपरिक मतलब उसमें नहीं आता, वैकल्पिक में नहीं आता। वैकल्पिक में सौर ऊर्जा तो है ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा वही मैं चेक कर रहा था। तो नाभिकीय ऊर्जा वैकल्पिक में आएंगी, भूतापीय ऊर्जा वैकल्पिक में आएंगी, ठीक है, क्योंकि वैकल्पिक है ना परंपरागत में आता है पवन जो हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये भी ठीक है, गलत नहीं, लेकिन क्योंकि वैकल्पिक बोला है तो उसके अनुसार लिखेंगे, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन वैकल्पिक बोला तो वैकल्पिक में ये नहीं है, ये पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, इसीलिए। तो नौवें को चलिए क्लियर करते हैं। तो नौवें में क्या पूछा गया है कि भाई नदियों पर बांध बनाने के दो लाभ और दो हानियाँ बताइए। तो चलिए लिख देते हैं। नदियों पर बांध बनाने के लाभ, ठीक है। तो लाभ, चलिए लाभ देखते हैं क्या क्या लाभ है। तो आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से कि नदियों पर जब हम बांध बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिलती है बताइए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विद्युत, है ना। तो पहली बात तो ये भाई कि नदियों पर बांध बनाने से विद्युत को मारिए गोली, ऐसे लिख दीजिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता। बांध बनाने से ना प्रदूषण नहीं फैलता है, वो बस एक ही बार होता है जब काटा जाता है तो पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाता ये। तो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है, नहीं फैलाता है, यानी कि बांध पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड आप ये लिख सकते हैं कि सिंचाई, ठीक है, सिंचाई समझते हैं ना, यानी कि पानी देना खेतों में और भी दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो, सिंचाई और सूखा तथा बाढ़ को रोकने मदद मिलती है, बाढ़ को रोकने या ना सूखा लिख देता हूँ सिंचाई की जगह, आज यार मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना, सूखा और बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, तीसरा आप ये लिख सकते हो कि सिंचाई में मदद होती है, कि सिंचाई का सुलभ साधन है, ठीक है, सिंचाई का सुलभ साधन उपलब्ध होता है बांध बनाने से, है ना। पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक तो हम बिजली बना लेते हैं और उसके बाद जो है कि ये सारे काम भी हो जाते हैं। तो ये तो थे लाभ। अब हानियाँ भी लिख लेते हैं यहीं पे लगे हाथों। तो हानियाँ क्या क्या है भाई बताइए ज़रा, चलिए फटाफट सोचिए क्या क्या हानियाँ हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे पारितंत्र नष्ट हो जाता है, ठीक है, पारितंत्र समझ रहे हैं ना। तो पारितंत्र को हम हिंदी में पारिस्थितिकी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई बांध बनता है तो वहाँ का जो उसकी पारिस्थितिकी है यानी कि पारितंत्र वो नष्ट हो जाता है। तो पारिस्थितिकी नष्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब जो जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, चाहे जल में रहने वाले या फिर जो है जंगलों में रहने वाले जंगल, वो सब जो है कि नष्ट हो जाते हैं जब कोई भी बांध बनता है। बहुत बड़े स्तर पे कंस्ट्रक्शन होता है बांध बनाने के टाइम पे और कई सालों तक चलता है, ठीक है। अब आई बात समझ में। और दूसरी हानि यह है कि पुनर्वास यानी कि विस्थापन, कि लोगों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहाँ से लोगों को हटाकर कहीं और बसाना पड़ता है, कई किलोमीटर तक पानी पानी भरा जाता है सिर्फ, तो लोगों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है,
मैं आपको छोटे छोटे लिखवा रहा हूँ, बाकी और भी हैं ठीक है ना। जैसे पानी में अगर खड़े रहेंगे पौधे तो वो सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, उस मीथेन गैस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, विश्व उष्णन होता है, ठीक है ना। तो ये भी समस्या है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, जब हमें 2 नंबर ही चाहिए तो हम छोटा लिखेंगे। लोगों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि जहाँ कहीं भी बांध बनता है वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है, तो एक समस्या ही है, उनको हटाया तो जाता है लेकिन उनको अच्छी तरह बसाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया 9वां क्वेश्चन भी। और अब जो है हम लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स से क्वेश्चन लेंगे। तो ये तो चलिए हो गया हमारे पास, तब यहाँ पे देखते हैं, सेट करता हूँ पहले मैं इसे। ठीक है, तो आइए अब 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है हमारे पास, कि चारकोल लकड़ी से उत्पन्न ईंधन है, ठीक है, तो बता रही है, टिप्पणी कीजिए। अच्छा, टिप्पणी करने को कह रहा है, यानी देखिए जब टिप्पणी करने को कहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स वाले हैं। कितने मार्क्स वाले हैं? 3 मार्क्स, 3 अंक वाले। ओके, तो 3 अंक वाले का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि चारकोल लकड़ी से उत्पन्न ईंधन है, टिप्पणी कीजिए। तो चलिए फिर टिप्पणी करते हैं इस पर। तो सबसे पहले देखिए चारकोल है क्या, आपको तो ये पता होना चाहिए। हालांकि एक प्रश्न आया था पीछे, है ना, चारकोल क्या है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे हमें टिप्पणी करनी तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चारकोल क्या है, तो चारकोल लकड़ी के सीमित वायु द्वारा बनाया गया कोयला है, ठीक है। चारकोल लकड़ी के सीमित वायु द्वारा बनाया गया कोयला है, यानी लकड़ी से ही बनता है लेकिन, ठीक है, लकड़ी सीमित वायु, सीमित वायु मतलब कि कम हवा में उसको जला देते हैं, जिससे, ठीक है ना, क्या होता है, नमी, ठीक है ना, नमी क्या होती है, निकल जाती है, नमी बाहर निकल जाती है, और जब नमी बाहर निकल जाएगी तो शुष्क हो जाएगा, है ना, और इससे क्या होगा, इससे काफ़ी अच्छा जो है कि ईंधन बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है इसमें कि नमी बाहर निकल जाती है चारकोल क्या करने से, बनाने से, लकड़ी का। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि एक तो हमने ये लिख दिया, फिर एक बार और लिख दीजिए कि चारकोल, क्योंकि भाई टिप्पणी करनी है, तो आप जो है 4 पॉइंट में कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट और लिख दीजिए कि चारकोल लकड़ी से अच्छा ईंधन होता है, ठीक है ना, लकड़ी से ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा, तो इसलिए लकड़ी से तो अच्छा ही है। तो चारकोल लकड़ी से अच्छा ईंधन होता है, यानी बेहतर होता है, ओके। तीसरा आप ये लिख सकते हो इसमें, तीसरा क्या लिख सकते हो, तो तीसरा आप ये लिख सकते हो कि यह वायु प्रदूषण फैलाता है, लेकिन एक बात याद रखिए, तो इसमें लिखेंगे हम कि यह वायु प्रदूषण फैलाता है, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सच बात तो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बस हो गया, हमें जो है कि इसी के अनुसार लिखना, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट बना दिए हमने। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बायोमास क्या है जो गैस संयंत्र प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए करने किस प्रकार सहायक है, करने में किस प्रकार सहायक है। पहले तो हमें ये बताना कि बायोमास क्या है और जैव गैस संयंत्र प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आप सभी जानते हैं कि बायोमास क्या होता है। बायोमास, देखिए बायो का मतलब होता है जीवन और मास मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य, ठीक है। तो बायोमास क्या बना, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए क्या कहेंगे इसको हिंदी में,
हिंदी में भी यही कहेंगे, ठीक है ना। जैव मात्रा कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में से बायोमास कहते हैं। तो बायोमास का आप कैसे मतलब निकालेंगे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि कृषि में और जो जीव जंतु होते हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जब उनका उपयोग किया जाता है, मतलब सिंपल सी बात है कि कृषि अपशिष्ट, लिख के बताऊँगा तो बेहतर रहेगा, कृषि अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब समझते हैं वेस्ट पदार्थ जो कृषि से निकलता है, खेती से, और जीव जंतुओं के, और जंतुओं के, जीव नहीं, छोटे मोटे जीवों का कोई काम नहीं है, बड़े जंतुओं के, और जंतुओं के अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट को, यानी कृषि अपशिष्ट और जंतुओं के अपशिष्ट को बायोमास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोमास, या अगर इसे हिंदी में बोले तो जैव द्रव्य। क्या कहेंगे? जैव द्रव्य, है ना, कहते हैं। ओके, अब इसमें अगर आप उदाहरण भी, उदाहरण कुछ दे दे तो अच्छा रहेगा, है ना, समझने में आसानी रहेगी। तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कुछ, कि उदाहरण के तौर पे जैसे गोबर, गोबर क्या जीव जंतुओं का अवशिष्ट तो है, वेस्ट है, है ना। सूखे पत्ते हो गए जो पेड़ पौधों से हमें मिल रहे हैं, सूखे पत्ते और तने दोनों लिख सकते हो आप, पत्ते भी और तने भी, तो दोनों एक साथ ही मैं लिख देता हूँ, सूखे पत्ते और तने, ठीक है। तो ये आपकी हो गई दो दो चीज़ें, तो बस आपको यही बताना है और क्या। और इसने क्या पूछा था कि मतलब किस प्रकार से ये हेल्प करता है, ठीक है ना, जो 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 उसकी वो है शुद्ध। अरे एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर देखिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दोबारा एक बार रीड, क्योंकि तीसरा जो पार्ट है छोटा सा दूसरा पार्ट, जैव गैस संयंत्र प्रदूषण की समस्या को कम करने किस प्रकार सहायक है। यानी जो इनसे जो संयंत्र बनता है इनके लिए, वो प्रदूषण कैसे कम करता है, तो बहुत ही सिंपल है, होता अपशिष्ट है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ कि प्रदूषण कम करने में भूमिका, ठीक है, प्रदूषण कम करने में भूमिका क्या है इसकी, ये बताइए। तो बहुत ही आसान है कि जो सड़ा गला पदार्थ है, ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे मैं पहले लिख के बताता हूँ कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ चाहे वो जंतुओं के हों चाहे पौधों के हों, अपशिष्ट पदार्थ वायु और अगर जल में मिलते हैं तो जल, अपशिष्ट पदार्थ वायु और जल प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। यानी अपशिष्ट पदार्थ वायु और जल प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है ना। तो अब भाई कैसे इनको मतलब प्रदूषण कम करने की भूमिका कैसे है, कि अपशिष्ट पदार्थ वायु जल प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन बायोमास, या फिर यूं कहें जैव संयंत्र, बायोमास संयंत्र में इन अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, किस लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ओके। यानी अपशिष्ट पदार्थ वायु और जल प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन बायोमास संयंत्र में इन अपशिष्टों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कूड़ा, कूड़े कचरे की समस्या का निदान हो जाता है, कूड़े कचरे की समस्या का निदान हो जाता है, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा लिख दिया मैंने, और आप इसे ऐसे ही लिखें एग्ज़ाम में, बिल्कुल टीचर आप जो है प्रसन्न हो जाएगा, पूरे नंबर देगा। अब लिखा नहीं जा रहा भाई, पता नहीं क्यों मुझसे इधर
लिखा तो मैंने सही है, बस ये पेज ना कैमरे की सेटिंग थोड़ी इधर उधर हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, थर्ड देखते हैं इधर उधर होता रहता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर प्रयोग करने के कोई 3 लाभ तथा 3 हानियाँ बताइए। लाभ तो हम लिख देंगे, हानियाँ भी लिख देंगे। हानियाँ क्या, बहुत बड़ा क्षेत्र लेता है हर चीज़ के। देखिए लाभ होते हैं तो आपको हानि भी लिखने आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। तो सौर कुकर के पहले लाभ लिखते हैं, सौर कुकर के लाभ। और लाभ तो हानि यह है इसमें कि इसमें आप तला हुआ खाना नहीं बना सकते हैं ना, तल नहीं सकते, बस बॉईल जो कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, वही खाना बना सकते हैं। तो इसीलिए से लाभ और हानि पूछी गई है, ठीक है। तो लेते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो इससे सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है सौर कुकर का, कि कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता इसका। क्या नहीं होता, कोई भी पुर्जा गतिमान नहीं होता, यानी चलता नहीं है, ठीक है। एक जगह सेट कर दिया एक बार, बस पूरे जीवन वैसे ही रहेगा। कोई भी पुर्जा गतिमान नहीं होता है जिससे कि कुछ खराब नहीं होगा, ठीक है ना। आए बस समझ में, जंग लगेगा लेकिन वैसे कुछ खराब नहीं होगा। सेकंड इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें मेंटेनेंस का चार्ज बहुत कम आता है, ठीक है। रख रखाव, ये मेंटेनेंस को हिंदी में बोलते हैं रख रखाव, ओके। तो रख रखाव बहुत आसान है, रख रखाव बहुत आसान होता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही आसान है रखना, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, कुछ बनाना ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा इसका लगता है वह है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी इसे लगाया जा सकता है, ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है। अब सोचिए ऐसा कोई गांव जो पहाड़ के ऊपर, वहाँ खंभे उम्भे, बिजली उजली कुछ नहीं, तो कैसे जाएगी बिजली, ऐसी ही जाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है, ये इसके लाभ हैं। और भी बहुत सारे लाभ निकल के आ जाएंगे लेकिन हम बस 3-3 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये तो भाई लाभ हो गए, अब हानियाँ भी लिख देते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कि सौर या सोलर, एक ही बात है, सौर कुकर के हानियाँ की होना चाहिए था। अब देखिए 3-3 4-4 लाइन में डाल दिया यहाँ पे, अब मैं काटूंगा नहीं भाई, यहाँ पे 3 लाइन डाल दिए। अब सौर कुकर की हानियाँ क्या है, सोचिए क्या क्या हानियाँ हैं, मतलब ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं। तो आप सबको पता है कि इसमें फ्राई तो भाई कर नहीं सकते, अब आपको मोमोज खाने तो कैसे खाओगे। और सबसे बड़ी हानि ये है कि बहुत महंगा लगता है यार ये, ठीक है ना, सस्ते में नहीं मिलेगा आपको। बहुत थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न कर ली, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यही लिख सकते हैं सबसे पहले कि जो इसकी उत्पादन की प्रक्रिया है, उत्पादन की प्रक्रिया बहुत महंगी है, ठीक है, बहुत महंगी, ठीक है, थोड़ी बिहार वाली भाषा बोल लेते हैं, शुद्ध हिंदी, महंगी बहुत महंगी है, ऐसे बोलते हैं ना, मैं भी हूँ भाई वही। तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज़ नो प्रॉब्लम, आई एम मिक्सचर ऑफ दिल्ली एंड बिहार, ओके। सो विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता इसमें जो होती है ना, जैसे सिलिकन जो होता है, क्योंकि ये सारे सिलिकन और सिल्वर से बनता है, तो यहाँ पे विशेष प्रकार का सिलिकन चाहिए होता है, नहीं तो फिर चांदी लगाओ, चांदी काफ़ी महंगी है ना। तो वो विशेष प्रकार का सिलिकन ना हमेशा नहीं मिलता है, मतलब हर जगह नहीं मिलता, और बहुत रेयर होता है, मतलब रेयर क्या, दुर्लभ होता है थोड़ा। तो विशेष प्रकार का या विशेष प्रकार के सिलिकन की उपलब्धता सीमित है, जो जो इसमें यूज होता है ना वो सीमित है, तो फिर हमें सिल्वर का यूज करना पड़ेगा, काफ़ी महंगा हो जाता है। विशेष प्रकार के सिलिकन जो सौर पैनल में यूज होते हैं, ठीक है ना, सौर पैनल में लगाए जाते हैं, कम है, ठीक है ना, कम है, इसीलिए ये समस्या है कि भाई अब आगे अगर हमें बनाना होगा और तो कैसे बनाएंगे, है ना, कभी ना कभी वो समाप्त हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा आप ये लिख सकते हो क्या, तीसरा आप ये लिख सकते हो कि जो
उसका संयोजन है, मतलब अधिक स्पेस लेता है, ये लिख दो, सिंपल सी बात है। तो इसको स्थापित करने पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्थापित करने के लिए मतलब कि कहीं लगाने के लिए, शोर कुकर करने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भी लिख सकते हो, जैसे बिना सूर्य के कार्य नहीं करेगा, ये भी लिख दीजिए, ये भी आसान है ना, जो आपको लगे सिंपल, बिल्कुल अपने तरीके से लिखिए कि यह सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही कार्य करता है। यहाँ थोड़ी पेज हिल रहा है इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही, कार्य करता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है भाई। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर यानी बरसात में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब मिल जाएगा लेकिन बादल लगे होंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भाई ये भी सवाल हो गया। चलिए ज़रा जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और उसके साथ ही जो है कि अरे कहाँ चला गया मोबाइल। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसको पहले सही से कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, जो 3 मार्क्स का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया इसमें कि हमारी अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोलर सेलों का उपयोग क्यों नहीं संभव है। हमारी अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए सोलर सेलों का उपयोग क्यों नहीं संभव है। दोस्तों यहाँ पे चलिए हेडिंग डाल लेते हैं कि पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना, सिंपल लिख देता हूँ 3 कारण, जो हमसे 3 कारण पूछे गए हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, कि हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो 3 कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से कारण है भाई, लिख देते हैं चलिए फटाफट। तो पहला कारण तो आपको यही मिल जाएगा, ये थोड़ा सा यार सीधा एडजस्टमेंट ले जाए इसकी। हाँ, तो फर्स्ट फर्स्ट जो रीज़न है वो ये लिख देते हैं कि आपको पता ही होगा कि भाई रात के समय तो ये काम नहीं करता ना। तो आप ये लिखेंगे कि सौर ऊर्जा रात में उत्पन्न नहीं होती, सौर ऊर्जा रात में उत्पन्न नहीं होती है। कोई डिस्टर्ब कर रहा था, हिला रहा था मेरा कैमरा। ठीक है, सेकंड भाई आप जानते हो, एक तो रात के समय ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं होगी तो कैसे यूज करेंगे, रात को तो चाहिए ना, अभी थोड़ी दिन दिन में सिर्फ ऊर्जा उपयोग करेंगे हम, रात में भी करेंगे, तो ये समस्या है ना। और दूसरा समय ये कि बरसात में यानी बारिश के समय, ठीक है ना, कि बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार इसे लिखने के लिए। लिख लिख के समझाना बड़ा मुश्किल है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। और तीसरा आप ये लिख सकते हैं, आप सबको पता है कि सौर कुकर में खाना सिर्फ बॉईल किया जा सकता है, तला नहीं जा सकता है ना, तो ये तो 2 हो ही गए। और तीसरा ये भी लिख दीजिए, ठीक है ना, क्या वही कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें, चाहे सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसके जो इक्विपमेंट वो महंगे हैं, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कि सौर ऊर्जा संयंत्र के
की लग दिया, संयंत्र की लागत अधिक है। और भी आप जो बनाना चाहें ना बना सकते हैं, जो रीजनेबल कारण हो, ठीक है। जैसे चौथे में हम ये लिख सकते हैं कि ये तो हम लिख ही दिया कि सौर ऊर्जा का उपयोग खाने को तलने या यूं कहें फ्राई करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया, अगर कर भी सकते हैं तो अगर हम उसको इंडक्शन करके कर भी लें तो बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, जिससे उसका फिर इक्विपमेंट बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो सौर ऊर्जा का उपयोग खाने को तलने या फ्राई करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये भी हो गया। तो ये सब आप कारण गिनवा सकते हैं। ओके,